लॉकडाउन शुरू हो चुका, समय आज से निकला जा रहा है। इतना कम समय, इतना सारा सिलेबस, इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे टॉपिक, सोचते रह जाते हैं क्या करें, कैसे करें, किससे पढ़ें। इन सारे सवालों का जवाब अब आ गया है अगर संकल्प है तो विकल्प। हेलो वेलकम आबाद सत श्री अकाल राम राम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें देखने वाले। पहली बात तो फिजिक्स, जो अगर हम बायो के स्टूडेंट है तो फिजिक्स से बहुत ज्यादा डर लगता है, कंपाने लगने, डर डराने लगते हैं, तो ये डर बंद करो। और जैसे कि कटप्पा ने बाहुबली को मारा था, वैसे फिजिक्स को भी मार दो। जैसे केजीएफ के बंदे ने अपने गरुड़ा को मारा था, ऐसे भी मार दो। ठीक है, तो रॉकी भैया ने जो गरुड़ा को मारा है, तुम भी फिजिक्स को ऐसे ही खत्म करो। हर एक हीरो अपने विलन को खत्म करता है, फिजिक्स को भी हम ऐसे ही खत्म करो। हीरो के पास ना कोई डर होता है, ना किसी प्रकार का गम होता है, बस उसको तो सामने वाला विलन खत्म करना रहता है। तुम्हें भी यही है, जो फिजिक्स है उसको खत्म कर देंगे। अगर देखिए, मात्र कुछ दिन, कुछ टाइम लेगा तुम्हें मेरे साथ कनेक्ट होने में, आनंद तुम्हें ला दूंगा फिजिक्स में। फिजिक्स तुम्हें लगने लगेगी पूरी मक्खन। फिजिक्स तुम्हें क्या लगने लगेगी? पूरी मक्खन और आनंद आ जाएगी। आप पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, दोनों में साथ साथ। ठीक है, जैसे दिख भी रहा है, हिंदी में भी लिखा है मैंने, इंग्लिश में भी लिखा है। ठीक है, तो आनंद तो इतना आने वाला है ना, क्या बताऊं मुझे, आनंद तो इतना आने वाला है, क्या बताऊं। देखिए मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, क्या नाम है उसका, यूनिट एंड डायमेंशन इकाई और आयाम। ठीक है, इसमें से एक चीज मैं देखूं, देखो ये है अपना सबसे बेसिक। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि फिजिक्स में सबसे खतरनाक चैप्टर कौन सा है, फिजिक्स भौतिकी इसमें सबसे खतरनाक चैप्टर कौन सा है, तुम बोलोगे, बहुत सारे बोलते हैं सर मॉडर्न बहुत जो है वो खतरनाक है। सर नहीं नहीं नहीं, उससे भी खतरनाक कुछ चीजें हैं, पर मैं बोलूंगा सबसे खतरनाक चीजें, सबसे महत्वपूर्ण, खतरनाक नहीं महत्वपूर्ण। देखो मेरे साथ अगर कनेक्ट हो गए, इतना सोच लो, इतना तुम मान के चल लो, खतरनाक कुछ नहीं रहने वाला। ठीक है, अगर तुम इतना मान के चल रहे हो कि अगर मेरे साथ कनेक्ट हो गए तो तुम बिल्कुल भी ये मान के चलो, बिल्कुल भी ये बात मान के चलो, खतरनाक तो कुछ रहने वाला ही नहीं है। एक बात और देखो, बस कनेक्ट रहना है तुम्हें, मेरे साथ कनेक्शन रहना है। ठीक है, कुछ भी डाउट आता है तुम मुझसे पूछो। ठीक है, पहली बात, अगर हम बात कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन इकाई और आयाम की, तो नाम से ही पता चल रहा है इकाई। इकाई मतलब देखो, हम जब हम छोटे थे ना, जब इत्तू से थे हम, जब नन्हे मुन्ने बच्चे थे, ठीक है, तब इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार ऐसे पढ़ते थे, ऐसे पढ़ते थे ना कि उसी को इकाई बोलते हैं। इकाई की सबसे छोटी चीज, हम डैड ऐसे नहीं बोलते ना, हजार, सैकड़ा, ढाई, इकाई, ऐसे नहीं बोलते। जन्म जन्मांतर से हम जब छोटे से, इतने से हम इतने बड़े हो गए, तब भी हम ऐसे ही गिनते हैं। अगर ये हजार है तो इसको ऐसे ही बोलते इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, तो हजार है। ठीक है, हम इतने बड़े हो गए पर हम ऐसे ही देखते, वो बात अलग है, हम डैड देखते हजार बोलते थे, और जब छोटे थे इधर से गिनते थे इकाई से, तो वहां से क्या पता चलता है, हमें कि इकाई सबसे सबसे छोटी चीज क्या है, इकाई। अनुपात सबसे छोटी चीज क्या है, इकाई। इसमें किसी को कोई शक परेशानी बिल्कुल नहीं है। तो क्या होता है, अगर तुम्हें आज से, मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूं, बहुत प्यारी बात बोल रहा हूं कि सर फिजिक्स में मेन प्रॉब्लम होती है इतना सारा, तो इतना बड़ा फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इतनी सी किताबें हैं, दो पार्ट हैं, दो भाग हैं, फिर मैंने हमारी भौतिकी की किताब के, और इतने सारे फॉर्मूले, इतने सारे सूत्र, इतने सारे, सर कैसे याद रखें उनको, मतर को। सर ये क्या बोलते हैं, मतर को क्या मतलब होता है? अरे मतर को ना, मैं बोल रहा हूँ मतर को, आज से तुम्हें फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपके पास इतनी मस्त इकाई और आयाम, यूनिट एंड डायमेंशन बहुत प्यारी चीज है, तो तुम याद क्यों रखोगे बताओ? तुम्हें याद रखने की कोई जरूरत है उस चीज में? एक बात देखो, सीधी सी बात है, जितने भी फॉर्मूले बने हैं, जितने भी सूत्र बने हैं, कहीं ना कहीं से निकल के आए होंगे, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट ऊपर से टपक गए और हमने झेल लिया, ऐसा नहीं है ना। इतने साइंटिस्ट लगे होंगे, और ऐसा भी सोचो, कोई साइंटिस्ट ने सोचा ऐसा करते हैं, आज बल का फॉर्मूला लिख देते हैं, द्रव्यमान इंच को जो तोड़ लिख देते हैं,
उन्होंने बोला फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, बल का फॉर्मूला लिख दिया उन्होंने द्रव्यमान इंटू। तो उन्होंने क्या मन में आया, चलो आज इच्छा हो गई बना देते हैं, ऐसा थोड़ी है कि आज चलो आज पानी पूरी खाते हैं, चलो आज मेरी इच्छा हो गई, आज मैं क्या करता हूँ, चलो आज कचौरी अच्छी दिख रही है कचौरी खाते हैं, आज ऐसा दिख रहा है मेरे को जलेबी, ऐसा थोड़ी क्या। साइंटिस्ट उन्होंने देखा, वैज्ञानिक है कि हाँ ये कुछ ऐसी चीज रही होगी या इसका इसके साथ कनेक्शन रहा होगा तब कुछ बनी होगी, ऐसा तो नहीं हलवा थोड़ी निकाल दिया। तो मतलब इतना तो क्लियर है ना कि इतना तो तुम्हें स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, इतना तुम्हें क्लियरिटी आ चुकी होगी कि हर एक फॉर्मूला है, हर एक सूत्र है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, तुम मुझसे पढ़ रहे हो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, हर चीज के पास पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, ये ब्लैक मार्कर क्यों है कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, मैंने घड़ी क्यों पहन रखी कुछ ना कुछ कारण होगा, तभी ये मैंने इसके ऊपर क्यों लगा होगा लिखा होगा कुछ ना कुछ कारण होगा। तो हर चीज का कुछ ना कुछ कारण तो होता ही है, ऐसा निठल्ले नहीं होते फॉर्मूले हमारी तरह। ठीक है, तो अगर इस चैप्टर को शुरू करेंगे तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि तुम एक भी सूत्र फॉर्मूला अगर कुछ भी याद नहीं रखोगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, अगर तुम कुछ भी याद नहीं रखोगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। शुरू करते हैं। एक और बात, मैं बहुत प्यारी बात तुम्हें बोल रहा हूं और शायद मुझे बात ठीक है, तुम्हारे जिंदगी में बहुत सारी चीजें आएंगी, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें आएंगी, उन चीजों को दूर करो। और अगर तुम्हें देखो एक बार तुम सोच के देखो तुम्हारे परसेंटेज आगे तुम्हें प्रतिशत बन रहे हैं बहुत बढ़िया, तो घर वालों की खुशी एक बार देखो। ठीक है, वो बात है, तुम घर वालों के लिए नहीं पढ़ रहे तो फिर यहाँ पढ़ने मत बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ मोबाइल को छोड़ो साइड में, निकलो यूट्यूब पे और सारे वीडियो है उधर देखो निकलो। ठीक है, अगर घर वालों के लिए पढ़ रहे हो तो यहाँ रुको और देखो वीडियो। ठीक है, पहली बात, अगर तुम्हारी कोई बुराई करता है, अगर तुम्हारी कोई बुराई कर रहा है तो उस बुराई करने वालों से कुछ मत करो। अगर तुम उसके साथ बुराई करोगे तो क्या होगा, तुम भी बुरे होगे। अगर मेरे साथ कोई बुरा कर रहा है मैं उसके साथ बुरा करूंगा तो मैं भी बुरा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर वो मेरे साथ बुरा कर रहा है और मैं उसका अच्छा करूं, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो सोचेगा अरे मैं बुरा कर रहा हूँ ये अच्छा मान रहा है, मुझे तो मेरा गुलाम है, मैं तो इसका कितना भी बुरा करूं तो मेरे कुछ बिगाड़ नहीं पाया, ऐसा नहीं करना। अगर तुम्हारा कोई बुरा कर रहा है तो उसे दूर रहो। अगर तुम्हारी बुरा ही कर रहा है, अगर तुम्हारी बुरा ही कर रहा है मतलब तुम्हें कुछ बात है, ठीक है, तभी तुम्हारी पीछे बात है, सीधी सी बात है, पीछे बात है क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ बात है इसलिए तुम्हारी पीछे बात है, सीधी सी बात है। अगर तुम्हारी बुराई कर रहा है तो उसकी औकात है, उसकी औकात नहीं है कि तू तुम्हारे तक पहुंच गए, तुम्हारा लेवल इतना है, उसका लेवल इतना है, वो तुम्हारे तक नहीं पहुंच पा रहा है, पहुंच पा रही इसलिए वो तुम्हारी बुराई कर रहा है कर रही है। ठीक है, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो यहां तक पहुंचे, वो तुमसे जल रहा है, जल रही है इसलिए तुम्हारी बुराई कर रहा है। तो बुराई करने वालों से कभी जलन मत करो, इस बात को उठाओ कि कोई बुराई कर रहा है अपनी, हाँ छोड़ो यार क्या बुराई, करने तो करो, मस्त रहो, मजे लो, मुझे तुमसे उससे कुछ बोलना है चल कुछ नहीं, तुम्हें पता है उसको बुरा क्यों लग रहा है। अगर तुम मानो एक बात देखो क्रिकेट खेलते हैं चलो क्रिकेट खेलते हैं, अब ऐसा मत सोचना कि सर पढ़ाओगे कब, पढ़ाऊंगा, आज फर्स्ट लेक्चर है पहला हम शुरू करेंगे, ठीक है, आज ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, आज मैं बस कनेक्ट होना चाहता हूँ तुमसे, आज मैं तुमसे कनेक्ट होना चाहता हूँ। अगर तुम्हें क्लास अच्छी लगी आज पढ़ाने के बाद तो तुम कमेंट में बता देना कि हाँ कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो मैं आज ये शुरू कर रहा हूँ, आज ये खत्म करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सब तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, मुझे देखो हर इंसान को करता है, अगर वो पहली बार खाना बना रही, देखो लड़कियां जब खाना बनाना पहली बार वो मम्मी से सीखती है कि आज मैं खाना बना देती हूँ, ठीक है, तो वो चपाती थी मम्मी की चपाती होगी ऐसी, लड़कियां चपाती बनाएंगी फिर स्टार्टिंग में, लड़की लड़का कोई बना रहे ऐसी पता नहीं एक यहाँ, ठीक है। तो हमने एक बात देखी कि ये मम्मी ने रोटी बनाए, ये लड़की ने रोटी बनाई, लड़कियां जब शुरू शुरू में बनाना सीखते हैं तो एक बात याद रखनी है कि अब जब वो रोटी बनाएगी ना तो तारीफ होगी, आज मैंने पहली बार रोटी बनाई है, मस्त बनाई है, गजब रोटी बनाई है, मतलब अब नमक ज्यादा भी डल गया ना, अगर नमक अगर ज्यादा भी डल गया तो सोचेगी बताना किसी को नहीं है मैंने बनाई है तो बेस्ट ही बनाई है। ठीक है, तो बात हो, अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तो अच्छा लगेगा कि हाँ मैं तुम्हें बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो अच्छा लगेगा ऐसे ही कि मैं तुम्हें बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, बट तुम्हें बताना कि मैं कैसा पढ़ाऊंगा या फिर कैसा पढ़ा रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस वगैरह क्या है, तुम्हें बताना है। ठीक है, वो चीजें देखो मैं बहुत महीनों से पढ़ा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस 11th को पढ़ाना भी शुरू किया, नाइन्थ और टेंथ का सिलेबस मैंने खत्म कर चुका हूं मैं, और फिर से एक उनका क्विक रिवीजन शुरू कर दिया है मैंने। अगर तुम्हारे पास भी 10th बोर्ड या फिर
नाइन्थ वाले हैं तो उनसे बोल दो अपना ये वापस यहाँ ज्वाइन करें, ग्रुप ज्वाइन करें, ग्रुप अपने पास है, मेरे पास पहले से 300 स्टूडेंट हैं। और तुम अगर इलेवंथ वाले भी अब इलेवंथ से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो और बढ़ाएंगे नंबर, अपने परिवार को बढ़ाएंगे। ठीक है, एक और चीज मैं बोल रहा था, अगर वो गोल रोटी है और वो टेडी रोटी, अगर मम्मी ने रोटी बनाई और वो गोल नहीं बनी और टेडी बन गई, तो क्या स्वाद नहीं आएगा? ठीक है, मुझे बताओ, क्या गोल रोटी में ही स्वाद आता है? कि अगर मैं मम्मी ने बढ़िया रोटी बनाई है बट वो गोल नहीं बनाई, परंतु वो रोटी गोल नहीं बने, तो क्या स्वाद नहीं आएगा? मुझे इतनी सी बात बता दो, क्या स्वाद नहीं आएगा क्या उस रोटी में? मुझे इतनी सी बात बता दो, क्या वो स्वाद नहीं आएगा? स्वाद तो आएगा ना। तो एक बात याद रखो यार, तुम कैसे हो, किसी को कोई लेना देना नहीं, तुम कैसे हो, किसी को कोई लेना देना नहीं है, कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, किसी को कोई भी लेना देना नहीं है, तुम क्या सोचते हो उसके बारे में कोई नहीं सोचता। मैंने तुम्हें फिर से बोला, तुम्हारी बुराई करेगी तू करेगा या करेगी तो उसकी औकात है, क्योंकि उसकी औकात ही दिन में तुम्हारी बुराई करेगी। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे तक पहुंच नहीं सकता यार, देखो। और रियलिटी बताऊं, बुराई उसी की करनी चाहिए ताकि अपने लेवल में, नहीं तो बुराई तो वही करते हैं नीचे, अरे वहां पहुंच गए, उसकी जलन हो रही है, मेरे को बुराई करनी। तो ये बात याद रखना यार। ठीक है, अगर मैं मेरे सामने अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, वहां पर महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे थे और मैं बोल रहा हूँ यार इसको संन्यास ले लेना चाहिए, भाई तू कौन होता है? ग्राउंड में भेजेंगे तेरे को, तू कौन होता है कौन है ये बताओ मुझे। अरे टीवी देख रहे हैं बड़े सोते सोते और वहां पर रोहित शर्मा से एक बॉल मिस हो गई और सोते सोते बोले अगर मैं यहां होता तो भाई इस बॉल को छक्का लगाता, भाई जा ना जा। इतने सारे इंसान वहां देख रहे हैं, भारतीय टीम का ओपनर नेतृत्व कर रहा है और तुम बोल रहे हो अरे यार मैं वहां होता तो, मतलब सोचने से पहले एक बार सोचना चाहिए ना इस बात को। तो मतलब वो बात याद रखो अपनी, ठीक, वो बात याद रखो, तुम्हारी बुराई वही करेंगे जिनको तुमसे जलन होती है क्योंकि तुम उनसे ऊपर हो। तो अगर तुम्हारी कोई बुराई करे तो ये बात मान के चलना कि तुमसे उनको जलन हो रही है और दूर रहो उनसे, दूर रहो मतलब ही नहीं है, भग भग भग। तो अब मुझे याद रखो, अब फिजिक्स शुरू करते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। अगर भौतिकी, भौतिकी एक ऐसी सब्जेक्ट, ऐसा विषय है जो मुझे आनंद देता है। और इतना बात रखो, आज अगर तुम मेरे साथ भौतिकी पढ़ने लगे तो इतना कन्फर्म कर देता हूं, इतना मजा ला देता हूं कि तुम्हें आनंद नहीं आ जाए तो बोलना। देखो भौतिकी को हम ऐसे करेंगे मक्खन पूरा, मतलब मजा ला देंगे भौतिकी, अगर तुम रोजाना कनेक्टेड रहे तो। अगर रोजाना कनेक्टेड नहीं रहोगे, ठीक है, तो जा सकते हो। अगर तुम अपनी मम्मी पापा माता पिता परिवार के लिए पढ़ रहे हो तो यहाँ बैठो, अगर उनको बिना सोचे समझे पढ़ रहे हो तो निकलो, मोबाइल छोड़ो, यूट्यूब देखो, कुछ भी मूवीज वगैरह देखो, मुझे कोई मतलब नहीं है, किसी से बातें करूं मुझे कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई के, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई है, मस्ती के टाइम मस्ती, अगर हम मिलेंगे मस्ती भी करेंगे, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, यूनिट एंड डायमेंशन निकल आया है, ये बात याद रखना। इतना फास्ट एकदम बोल बोल सकता हूँ ना, एक बात याद रखना, ये बात याद रखना। अब चलते हैं भौतिकी शुरू। देखो किसी चीज को शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती है, जैसे अगर मैं घर बना रहा हूं तो उसकी मेरे को ईटे ईटे चाहिए होंगी, मेरे को मुझे चाहिए होगी रेत बजरी वगैरह सब कुछ चाहिए होगा, ये बात है क्लियर है नहीं? ठीक है, तो अगर फिजिक्स बनाना शुरू कर देते हैं, जब फिजिक्स के वैज्ञानिक फिजिक्स बनाना शुरू कर देते हैं, उन्होंने सोचा कि चलो यार हम फिजिक्स बना रहे हैं, हम फिजिक्स का निर्माण कर रहे हैं, भौतिकी बना रहे हैं, तो वैज्ञानिक थे साइंटिस्ट, उन्होंने सोचा कुछ शुरुआती बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनको बोलेंगे ईंटें, ईंटें लगाना शुरू, अगर नींव ही नहीं बनाऊंगा तो घर 2 दिनों में ढह जाएगा, कोई मतलब घर ही नहीं बनेगा। ठीक है, उन्होंने तो उसका नाम था यूनिट एंड डायमेंशन, मतलब। तो आज से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ फॉर्मूले भूल जाओ, आज नए तरीके से फॉर्मूले याद करना सीखेंगे। तुम सर मुझे फॉर्मूले याद रहता, भौतिकी मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे को एक भी सूत्र याद ही नहीं रहता, वो इसलिए याद नहीं रहता क्योंकि सर इतने इतने सारे फॉर्मूले कहाँ पे वर्ग में लिखना है, कहाँ स्क्वायर में लिखना है मुझे कुछ पता नहीं रहता, कहाँ बटे में लिखना है, कहाँ अंश कहाँ लिखना है, कहाँ हर लिखना है, कहाँ डिनोमीटर लिखना है, कहाँ लिखना है, मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं किसके लिए हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ। तो देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन का आयाम के दो तरीके, दो टाइप होते हैं, एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जिसको बोलते हैं मौलिक आधारभूत भौतिक मात्रा। देख मौलिक भौतिक, मौलिक आधारभूत भौतिक मात्रा, आधारभूत से क्या मतलब निकल रहा है, आधारभूत से क्या मतलब निकल रहा है कि उस चीज का आधार ही हो। देखो ये मेरा हाथ है, बहुत गंदा सा हाथ है, बिल्कुल गंदा गंदा हाथ है, ये मैंने इसके ऊपर का डस्टर, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं हाथ हटा लेता हूँ डस्टर गिरेगा नहीं गिरेगा, मुझे बताओ, अगर मैं हाथ हटा लेता हूँ डस्टर गिरेगा नहीं गिरेगा? तो उसी प्रकार अगर अगर ये अपने पास फिजिक्स है, ये मेरे पास यूनिट डायमेंशन आधार है, अगर ये रहेंगी तो फिजिक्स है,
ये रहेंगे तो फिजिक्स है, ये सुनो समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया तो आधारभूत क्यों बोला, क्योंकि उन्हीं से सारे फॉर्मूले निकले मिलकर बने हैं। ऐसे ही मतलब हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, ये बोर्ड व्हाइट क्यों है इसके पीछे कारण है, ताकि ब्लैक कलर अच्छे से दिखे तुम पढ़ अच्छे से पढ़ पाओ, ये मार्कर काला क्यों है तुम्हें पता है, घड़ी क्यों पहन रखी है तुम्हें, हर चीज का अलग कारण है, तुम क्यों पढ़ रहे हो उसका कारण है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ उसका कारण, हर चीज का अलग अलग कारण है। तो शुरू करते हैं हम आज बहुत ही घर वालों को याद करते हुए और जय भोले का ताना लगाते हुए, जय श्री राम। शुरू करते हैं मौलिक आधारभूत भौतिक मात्रा जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिसके होते हैं हम, जिसके होते हैं महत्वपूर्ण सात पार्ट, और जिन सात पार्टों का नाम है सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए, और अब यहाँ पर आ चुका है सनी देओल। मुझे समझ लो सनी देओल हूं नहीं पर समझ लो, और एक एक करके कात्या के सातों भाइयों को मारेंगे, सातों को सात मारेंगे, एक साथ मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। तो मारना शुरू करते हैं सातों सातों को, तो पहले को हम मारना शुरू करते हैं, पहला है अपने पास, पहला है उसका नाम है मास, जिसको बहुत ही प्यारी हमारी राजभाषा जो कि हिंदी है, हमारे राजस्थान की भाषा जो कि हिंदी है उसमें लिखते हैं, तो अपना नाम क्या हो जाएगा उसका, द्रव्यमान, बहुत ही प्यारा नाम। ये तो सर क्या बता रहे हो, सर में है ना नाइन्थ में तब से पता था, हाँ पता है मुझे, तुम्हें तो सर पता है, फिर मैं लिखाता हूँ मास की एसआई यूनिट, एसआई मतलब स्टैंडर्ड यूनिट होती है अपने पास किलोग्राम में, जो तुम्हें लिखा रहा हूँ वही लिखना है, ठीक है ठीक है, उतना ही पढ़ेंगे जितने लेवल है। अब ऐसा नहीं है तुम साइंटिस्ट तो बनने वाले नहीं हो, तुम इलेवंथ में हो तो तुमसे इलेवंथ वाली बातें पूछेगा, ऐसी बात तो नहीं है तुमसे, भाई तुम इतना बताओ, तुम बताओ कि ये एक यूं घूम रहा है फिर इसके चारों तरफ हवा घूम, इंसानों वाली बातें पूछेंगे ना। तो एक मैंने कांत्या के एक भाई को खत्म कर दिया, दूसरे भाई की तरफ बढ़ते हैं, सातों को साथ मारेंगे, साथ मारेंगे, एक साथ नहीं मारेंगे, एक एक करके मारेंगे, मास को मारा, उसके बाद मैं मारने वाला हूं लेंथ को, लेंथ को तो सबको पता है, लेंथ लंबाई को बोलते हैं, लेंथ लंबाई को बोलते हैं, लेंथ किसको बोलते हैं, लंबाई को, लेंथ किसको बोलते हैं, लंबाई को, लंबाई को किसमें आते हैं, मीटर में। अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि यहां से बूंदी से कोटा भाई 17 किलोग्राम है, ये क्या हुआ सर, पागल हो गया, तो वही तो बोल रहा हूँ, अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, मीटर में ना भैया ना किलोग्राम में, तो थोड़ी बोल देंगे ऐसा, थोड़ी बोलेंगे कि यार बूंदी से कोटा 17 किलोग्राम है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे, बूंदी से कोटा से बोलेंगे 70 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है मुझे नहीं पता, जितना भी है ठीक है। उसके बाद आगे बोलेंगे तीसरा नंबर पे चलेंगे, हम तीसरा नंबर पे चलेंगे अपने पास, ये क्या है मेरे पास, घड़ी, घड़ी में क्या देखते हैं हम, टाइम, टाइम में क्या देखते हैं, समय, समय में क्या देखते हैं, समय, समय में क्या देखते हैं, और उसका लिख देंगे सेकंड, सेकंड तुम्हें पता है, ये पता है मीटर, ये क्या होता है अपने पास, मीटर, मीटर ये अपने पास केजी, किग्रा, किग्रा इसमें कोई दिक्कत परेशानी, और ये अपने पास सेकंड, इसमें कोई दिक्कत परेशानी बताओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चलते हैं चार, अभी अभी क्या है, अभी कौन सा मौसम चल रहा है, सर्दी का मौसम, सर्दी का मौसम में क्या होता है, सबसे पहले अखबार में देखते हैं आज तुम्हारा तापमान क्या है, तो अगला क्या है, तापमान, अगला क्या है, तापमान जो है टेम्परेचर जिसको बोलते हैं तापमान, टेम्परेचर जिसको बोलते हैं तापमान, और इसको मापते हैं केल्विन में, केल्विन में, केल्विन विद इन केल्विन लिखते हैं। अब बोलोगे सर आप पगला हो, सर आप पागल हो गए, क्यों सर अभी आपने ठीक है किलोग्राम में, सॉरी ग्राम हो गया, अच्छा मास है ना, मास तो किलोग्राम होता है ठीक है, हाँ सर अभी आपने बोला, सर अभी आपने बोला कि मास को किलोग्राम में आपने, ठीक है सर आपने अभी बोला लेंथ को लंबाई मान ली, ठीक है आपने टाइम को आपको सेकंड में मान लिया, ठीक है पर सर टेम्परेचर को तो हम सेल्सियस में मापते हैं, केल्विन कहां से लिख दिया सर आपने, आप गलत हो सर, आप पढ़ाना नहीं आता आपको, अरे बताऊंगा अभी, मेरे को एक एक करके विलन को मार लें, दो फिर उनकी इनकी एक एक ही चीजें छीनेंगे, पहले मार लू सबको, पहले सातों को सात को मार लेते हैं, पांचवें नंबर को मारना शुरू करते हैं, पांचवें नंबर का मारना जब शुरू करेंगे तो पांचवें नंबर देखो ये इतना उजाला किस वजह से आ रहा है, वो चीज देखो ये उजाला किस वजह से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोर ही एक बहुत प्यारी चीज जिसको बोला जाए करंट का लिख देते हैं एम्पियर, ठीक करंट ही बोलते हैं हिंदी में, एम्पियर को एम्पियर ही बोलते हैं, वही की गलती होती है। पांच भाई मैंने मार दिए, छठे भाई को मैं मारने पहुंच गया, देखिये मजाक भी करता रहता हूँ, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस जिसको बोलेंगे वस्तु की मात्रा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बोलूंगा या फिर वस्तु की मात्रा बोलूंगा, तो इसको मापते हैं मोल में, हिंदी में भी इसको मोल ही बोलते हैं। देखो बात है, याद रखो, अब तुम बोलोगे सर आपने स्टार्टिंग तो कितनी पहली पहली चीजों से पहुंची और अब आप पहुंच गए इतनी खतरनाक चीजें। अरे यार मुझे बताओ क्या सनी देओल ने का डायरेक्ट कांता को मार देता? नहीं मारता। क्या सनी देओल ने डायरेक्ट कांता को मार देता? नहीं मारा था ना, तो मैं भी तो उसने एक एक जो कमजोर था भाई था उसके बाद उसको मारा, फिर ऐसे कर सब लास्ट में कांता को मार देता। अब हम पहुंच जाते हैं कांता के ऊपर, अब हम पहुंच जाते हैं कांता के पास, तो कांता को मार देंगे। उसका नाम है ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इसको बोलेंगे प्रकाशक, प्रकाशक तीव्रता। कोई दिक्कत परेशानी और इसकी असाइनमेंट हो जाएगी हम पास कैंडला। अब सर वो तो ठीक है, आप मुझे इधर लिखना मत, अभी मैं बोलूंगा तभी लिखना है, ठीक है सर? आप मुझे एक बात बताओ सर, ठीक है वो चीजें मैंने देख ली, चलो तुम्हें इनको याद मत रखो, बस इसको याद रखो साथ के लिए, बस ऊपर वाले पांच को याद रखना, इन्हें तुम्हें पूरे 11th 12th तक कोई मतलब, इनकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की पता ही है, ल्यूमिनस की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ने वाली, छोड़ो इसको, तो इसको तो छोड़ो तुम। अगली चीज देखते हैं, ठीक है सर आपने बोला था, क्या बोला था मैंने सर? ये केल्विन के लिए बोला था सर आपने, और सर घड़ी तो में टाइम के कितने घंटे बचे सर? ऐसा नहीं बोलते सर कितने सेकंड बचे, मतलब घंटे ज्यादा यूज लेते हैं ना सर, कितने घंटे में पहुंच जाऊंगा मैं सर? इतने बोला कि 2 सेकंड में नहीं पहुंच जाऊंगा मैं मेट्रो का। सर आपने भी बोला कि अभी तो आपने बोला 70 किलोमीटर, ठीक है मुझे एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूँ इधर आ और मैं बोल रहा हूँ अटिया, एक मैं बोल रहा हूँ कमिया, तीनों का मतलब क्या, मतलब क्या है तीनों का? एक बोला मैंने इधर आ, एक बोला मैंने कम हियर, कोई मतलब है? और एक मैंने हड़ोदी में बोल दिया अटिया, तो मतलब है कुछ मतलब नहीं है, तो कोई डिफरेंस है, अंतर है? नहीं है। तो वही है यार, हम जब बोलचाल की भाषा में किसी चीज को ले लेते हैं, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से देते हैं, प्रैक्टिकल हो गए अपने पास, अपने बोलचाल भाषा में उसको बोल दिया हमने क्या, 100 किलोमीटर बोल दिया, उसने घंटा बोल दिया, बात तो वही है, टाइम तो टाइम ही रहेगा, लंबाई तो लंबाई रहेगी, बस इनकी है स्टैंडर्ड होती है। अब इनके बारे में कुछ कुछ चीजें मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ कुछ चीजें मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक बात याद रखना, ये आधारभूत है, ये मौलिक है, आधारभूत है, तो ये एक बात याद रखना, इनके लिए पॉइंट लिखना है तुम्हें बहुत प्यारा हुआ, इंग्लिश में बोलूंगा तो इंडिपेंडेंट है, इंग्लिश में बोलूंगा तो इंडिपेंडेंट है, और हिंदी में बोलूंगा तो ये किसी पर निर्भर नहीं है, ये किसी पर निर्भर नहीं है, ये किसी पर निर्भर नहीं है, मतलब किसी ऊपर नहीं है कि हाँ ये होगा तभी होगा, ये किसी पर निर्भर नहीं है, बात याद रखना। तो मतलब कहना क्या चाहता हूँ, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, कि इनसे फॉर्मूले निकलेंगे, इनसे फॉर्मूले निकलेंगे बट ये परंतु ये टूटेंगे नहीं, इनसे फॉर्म इनसे ये मिल मिल के फॉर्मूले मिलेंगे, लेंथ और मास को मिलाऊंगा तब फॉर्मूला बन जाएगा, मास को और टाइम को मिलाऊंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा, द्रव्यमान और समय को मिलाऊंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास, ठीक है ये चीजें मिलकर हम फॉर्मूला निकालेंगे, पर ऐसा नहीं होगा ना कि ये टूट जाएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो ये किसी के ऊपर, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना। अब कुछ चीजें नई नई देख लेते हैं। एक बात तो सर आपने एक बात बोला था केल्विन को सेल्सियस, केल्विन सेल्सियस बोलते हैं, केल्विन सेल्सियस भी बोलते हैं, एक बात याद रखो, एक सेल्सियस में 273 केल्विन होते हैं, ठीक है 273 पॉइंट समथिंग होता है, पर तुम 273 याद रखो, कोई दिक्कत बात वाली बात नहीं है, ठीक है ठीक है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लंबाई को एक और चीज में देखते हैं, लाइट ईयर में लंबाई को किस में देखते हैं? एक प्रकाश वर्ष में, प्रकाश वर्ष में, प्रकाश वर्ष बोलूंगा तुम्हें, लाइट ईयर इंग्लिश में, लाइट ईयर, लाइट ईयर वो कितना हो जाएगा मेरे पास? वो कितना हो गया? 10^-16 मीटर, 10^-16 मीटर, 10^-16 मीटर, इसमें कोई दिक्कत परेशानी, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो और आगे चलते हैं, फिर इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो और फिर आगे चलते हैं, ठीक है देखिए लिख लिया, उसमें कोई दिक्कत परेशानी थी? नहीं थी। कोई दिक्कत परेशानी थी? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। क्या दिक्कत परेशानी होगी सर? क्या दिक्कत परेशानी होगी सर? क्या होने वाली? इतना बुरा तो आपने पढ़ा है, क्या दिक्कत होने वाली? कोई दिक्कत नहीं होने वाली सर, आप आगे चलो, आप सर आगे चलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे अच्छा तो है ना डस्टर से, तब
किसी और चीज से मिटा दो, जैसे टॉवेल वगैरह इससे उठा दो ना, प्यारा मिटता है डस्टर तो इतना गंदा मिटता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले दूसरे बोला था सप्लीमेंट्री पूरक, बोला तो था मैंने सप्लीमेंट्री और इधर जाएगा पूरक, पूरक भौतिक मात्रा। ठीक है, ये बात याद रखना। वहां पे हमने देखा था कि सबके डायमेंशन थे और सबकी, देखो मैंने देखा था जब मैं आधारभूत पढ़ा रहा था, आधारभूत या मौलिक भौतिक मात्राएं पढ़ा रहा था, या फिर मैं फंडामेंटल बोलूंगा वो मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला था कि सारे फॉर्मूले वहीं से बनके निकलते हैं। ठीक है, वहीं से बनके निकलते हैं। अगर मैं बात करूं कि मुझे रोटी बनानी है तो आटा बनाऊंगा, मुझे पराठा बनाना है आटा रहा मेरे पास, मुझे मालपुआ बनाना है आटा रहा मेरे पास। आटे से निकल रही है सब चीजें, आटे से निकल रही है। तो उन्होंने बोला फंडामेंटल या फिर मैं बोलूंगा मौलिक आधार, मौलिक भौतिक मात्रा, वहीं से सारे फॉर्मूले निकल रहे हैं। पर उन्होंने एक और चीज बोल दी, वो कुछ है जो नहीं निकल रहे वहां से। तो यहां पर मैं बोलूंगा, इसके लिए मैं डेफिनेशन आपके लिए बोल सकता हूँ, इंग्लिश में बोलूंगा तो मैं बोल सकता हूँ, कैन नॉट डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल। और हिंदी में बोलूंगा तो मैं बोल दूंगा कि यहां से हम नहीं निकाल सकते, यहां से हम मतलब इनको आधारभूत या मौलिक भौतिक मात्रा से नहीं निकाल सकते। ये बात क्लियर है? इसका एक एग्जांपल लिख लो, बस एक एग्जांपल लिख लो। विमान कोण जिसको बोलते हैं प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल जिसको बोलते हैं विमान कोण अपने पास, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तुम्हें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका होता है रेडियन। ठीक है, तो इसी के साथ हम बिल्कुल प्रेम भावना से ये दोनों टाइप कंप्लीट करते हैं। और अब आज चलते हैं बहुत प्यारी चीज पे, अब चलते हैं बहुत ही प्यारी चीज पे। मैं डस्टर से नहीं मिटाऊंगा इस बार, डस्टर से मतलब अच्छा मिटता ही नहीं है। टॉवेल मंगा लिया मैंने, सब्जी से बोल के मैंने टॉवेल मंगा लिया। थैंक यू बोलो उनको, थैंक यू बोलो, सामने उधर देखो रिकॉर्ड करें, उनको थैंक यू बोलो, बोल सकते हैं थैंक यू, इतना तो बनता है इंसान में। ठीक हो, अब जो अगली चीज पढ़ने वाले हैं, बहुत ही प्यारी चीज हम अगली पढ़ने वाले हैं। हमने देखो पहली बार देखी, हमने देख लिया कि कांत्या ने कैसे मारा, कांत्या को कैसे मारा गया, उसका स्वर्ग नाम, एक बार उसके लिए 2 मिनट का मौन ओम उसके लिए कर लिया। उसके बाद कोई दिक्कत परेशानी बात नहीं, उसके बाद सप्लीमेंट्री पूरक देखा, उसके पहले मैंने आधारभूत भौतिक मात्रा देखा। ठीक है, फिजिक्स के हमने, अब हमने न्यू बना ली। अब देखो न्यू बना लेते हैं ना, पर उसकी तराई करना बहुत जरूरी है। तो हम चलो देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं कि आपकी नींव सही बनी है क्या, तो कुछ फॉर्मूले जो तुम 9th 10th में पढ़े थे, 9वीं 10वीं में तुम्हें कुछ सूत्र याद थे, वो यहाँ पर मैं आजमा लू क्या मैं यहाँ पर आजमा लू क्या? वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है नहीं होती है। क्या किसी को दिक्कत परेशानी? चलो अब हम नई चीज शुरू करने वाले हैं, उसका याद रखना, बहुत प्रेम भावना से, बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत बढ़िया चीज शुरू करने वाले हैं। और अब मैं निकालने वाला हूँ फंडामेंटल से, और मतलब जैसे कि मैं बोलूंगा मौलिक भौतिक मात्रा से कैसे अब फॉर्मूले निकल रहे हैं, कैसे सूत्र निकल रहे हैं। और वहां से एक और मैं सूत्र में अब मैं चल रहा हूँ आयाम पर, इकाई आयाम पे चल रहा हूँ कि आयाम कैसे निकल रहे हैं, आयाम होते क्या है, कैसे निकल रहे हैं। तो एक बात याद रखो मैंने देखा था मास जिसको बोलूंगा, देखो मास जिसको बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक है, तो सब इंग्लिश से निकल रहा है, तो हम ऐसा तो बोलते ऐसा तो लिखते ना द्र की पावर 1, ऐसा तो नहीं लिखते ना, ऐसा तो लिखते नहीं है द्र की पावर 1, ऐसा तो लिखते नहीं है, नहीं लिखते ना। तो मास का कैपिटल वर्ड क्या है, एम, और एम के ऊपर जो पावर लगी, ये एम के ऊपर जो पावर लगी इसको हम बोलते हैं डायमेंशन, और बोलेंगे आयाम। ये एम के ऊपर जो सहंसा बैठे हैं, उसको बोलते हैं डायमेंशन आयाम। चलो दूसरी चीज भी चलते हैं, लेंथ पे चलते हैं। लेंथ का हो जाएगा एल, और एल 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 अब लंबाई का ल तो नहीं लिखूंगा ना, एल लिखूंगा, और उसके ऊपर अगर एक ये लगेगा, सपोज कुछ भी लग सकता है ना, पर माइनस प्लस माइनस कुछ भी लग सकता है। ठीक है,
प्लस माइनस कुछ भी लग सकता है, प्लस माइनस कुछ भी लग सकता है, तो मुझे बताओ, मुझे बताओ, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है क्या, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है क्या तुम्हें, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है क्या। लेंथ एल लग गया, उसके बाद मेरे पास टेम्परेचर था, टेम्परेचर किसमें था, केल्विन में था, टेम्परेचर किसमें था, केल्विन में था, तापमान किसमें था, केल्विन, तो के लगा लो, करंट किसमें था, एम्पियर में था, ए लगा लो, A1, और लास्ट चीज क्या बची, ये हो गया लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, करंट, और एक समय बच गया मेरे पास, समय बच गया, तो स की पावर धन लगे टी लगता है T1, ठीक है। तो ये MLKAT उनके ऊपर जो छोटे छोटे सेंसर बैठे है ना, ये होते हैं डायमेंशन, ये होते हैं अनुपात आयाम, जल्दी से इनको लिख लो, ठीक है। अब हम पहुंच चुके अगली चीज पे, चलो हम अब डायमेंशन आयाम देख लें। तो मेरे पास अगर मैं सबसे पहले बोलूंगा वेलोसिटी, जिसको हम तुम बोल सकते हो वेग बोल सकते हो, तुम इसको गति बोल सकते हो, तुम पता नहीं क्या क्या बोल सकते हो, तुम्हारे मन में आए जो बोल सकते हो, मुझे क्या पता तुम क्या बोलते हो, मतलब मुझे क्या पता चलेगा, तुम कुछ भी बोलो, तुम इसको गले दे के बोलो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। वेग गति कुछ भी बोल सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय क्या होता है, इंग्लिश वालों समझ लो, डिस्प्लेसमेंट होता है अपॉन टाइम होता है, मैं अगर मैं लिख दूंगा विस्थापन, ठीक है, बटा समय, वही बात, देखो अलग अलग चीज नहीं, ये सुविधा में लिखा, तो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन बोलूंगा तो ये किससे रिलेट करता है, लंबाई से करता है, तो उसका एल लिख लो, पता है, एल लिख लो, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर कुछ किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है ना। फिर उसके बाद टाइम को किससे लिखा था मैंने टी से, इसकी पावर एक होगी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एक एक साइंस बिठा दिया मैंने, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तुम्हें पता है अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव में है, मतलब मैं बोलूंगा ये धनात्मक है, तो ऊपर जाके क्या होता है, हो जाएगा नेगेटिव, हो जाएगा या ऋणात्मक हो जाएगा, तो LT-1 हो जाएगा क्या, LT-1 हो जाएगा क्या, समझे, समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले वेलोसिटी वेग गति सबको पता है क्या होती है, नाइन्थ में पढ़ चुके हैं, ठीक है, नाइन्थ टेंथ के फॉर्मूले देखूंगा मैं, वैसा नहीं बड़े बड़े फॉर्मूले लेकर नहीं वाला तुम्हारे पास, नाइन्थ के और टेंथ के फॉर्मूले दे, नवी दसवीं पढ़ने वाले हैं सर, मैंने नवी दसवीं नहीं पढ़ी इसलिए तुम्हारे लिए दोबारा लिखा, तो डायरेक्ट लिख देता, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, विस्थापन अपॉन समय होता है, विस्थापन बटा समय होता है, डिस्प्लेसमेंट किसका है, लंबाई का है, तो एल लिख लिया, टाइम किसका होता है, टी का लिखता है, टी लिख लिया, LT-1 हो गया, ठीक है, किसी को दिक्कत परेशानी, ये धनात्मक होता, ऋणात्मक हो गया, पॉजिटिव था, ऊपर गया, नेगेटिव हो गया। आगे चलते हैं एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में क्या लिखते हैं, त्वरण, इसका समय, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेग अपॉन क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या इसका फॉर्मूला वेग अपॉन समय होता है, क्या इसका फॉर्मूला वेग अपॉन समय होता है, क्या इसका फॉर्मूला वेग बटा समय होता है। तो इंग्लिश वालों को मजा आ रहा होगा, हिंदी सीखने को मिल रही है ना, या फिर मैं बोलूंगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, इंग्लिश वालों के लिए क्या ही होता है क्या, अब मुझे बताओ वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला या आयाम का सूत्र क्या था। वेलोसिटी याद नहीं रखना है, कितनी बार बोलूं याद नहीं रखना है, खुद से निकाल सकते हो तुम, कैसे निकाल सकते हो, मैं सिखा रहा हूं, मैं याद नहीं रखना है, रटना नहीं है इनको। अब मुझे बताओ वेलोसिटी का क्या था, अभी जस्ट निकाला था मैंने LT-1, तो मैं लिख दूं क्या यहां पर, मैं क्या LT-1 लिख दूं, वैल्यू तो पुट करेंगे, और टाइम का क्या लिखा था मैंने T/1, ठीक है, ये टी ऊपर जाएगा तो ये फिर से माइनस में हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो फिर से माइनस में हो जाएगा, तो क्या कुछ ऐसा हो जाएगा T-1 × T-1, तो अगर T-1 होगा तो क्या LT-2 या फिर बाकी दो नहीं हो जाएगा क्या, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है क्या। वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे विस्थापन पर समय याद था, बटा समय दिया, वेलोसिटी मैंने निकाली, वेग गति मैंने निकाली, उसके बाद एक्सेलरेशन त्वरण को मैंने वेग अपॉन समय किया, वेग बटा समय किया, वेलोसिटी अपॉन टाइम किया, LT-1 / T-1, ये पॉजिटिव में धनात्मक के ऊपर ऋणात्मक माइनस हुआ, तो मेरे को एक एक्सेलरेशन निकल गया, मेरे को त्वरण भी निकल गया, मेरे को गति भी निकाल ली, और बहुत प्यारे तरीके से निकाल ली। आगे चलता हूँ, अगर मैं चलू क्या मैं चल सकता हूँ आगे मैं चलता हूँ दबाव बल पे, मैं चलता हूँ फोर्स पे, फोर्स को क्या लिखते हैं, बल लिखते हैं, शायद बल बोला जाता है फोर्स को, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एम ए,
क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण। क्या यही, क्या ये फॉर्मूला होता है, क्या ये सूत्र होता है क्या फोर्स का? अब इलेवंथ में आगे इतना सब पता होना चाहिए क्योंकि तुम नाइन्थ में पढ़ चुके थे। अब मुझे बताओ मास है, मास है, अब मुझे बताओ मास है तो मास का फॉर्मूला एम, एम मुझे पता था क्या? मुझे एम पता था क्या? एम पता था क्या? मास अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लिखवाया था मैंने तुम्हें, तो एम पता था क्या? अब मुझे बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर त्वरण है? त्वरण का मैंने क्या निकाला? एल टी माइनस टू, तो लिख दू मैं एल टी माइनस टू, लिख दू मैं, लिख देता हूँ अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो। एल टी माइनस टू लिख दिया मैंने, एल टी माइनस टू लिख दिया तो क्या एम एल टी माइनस टू हो गया क्या? ये सूत्र है, इतना हो निकल गया क्या? हो इतना जल्दी निकल गया क्या? कोई दिक्कत वाली परेशान वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं अगले पर, चार पांच ही कराएंगे। तुमने पढ़ रखे जो तुमने पढ़ रखे जो तुमने पढ़ रखे अगला जो मेरे पास बहुत पहली चीज है वर्क। मेरे पास क्या है? जिसको बोला जाता है कार्य, जिसको बोला जाता है कार्य, वर्क, वर्क जिसको बोला जाता है कार्य, कार्य जिसको बोला जाता है कार्य, जिसका फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस। एफ इंटू एस का क्या बोलूंगा मैं? एफ इंटू एस का क्या बोलूंगा? एफ इंटू एस क्या बोलूंगा? एफ इंटू एस क्या बोलूंगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, या मैं बोलूंगा, या मैं बोलूंगा बल, बल गुणा, बल गुणा में बोलूंगा दूरी, बल गुणा बोलूंगा दूरी। मतलब क्या होता है वर्क? यही तो होता है, नवी क्लास में ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि बल गुणा दूरी ही होता है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है क्या? नहीं है सर। अभी अभी जैसे मैंने देखा बल का, मैंने अभी देखा एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और दूरी का एक एल और जोड़ लो तो क्या सर? एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू नहीं होगा क्या? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू नहीं होगा क्या? इतना सा बता दो, बता दो यार, इतना सा भी नहीं आएगा। यहाँ से वेग निकाला, वेग से ये निकाला, इससे ये निकाला, देखो एक से एक निकलते जा रहे। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक प्यारी सी बात बताओ, बहुत प्रेम भावना से। चलो एक और देख लेते हैं, फिर मुझे प्रेम से बिल्कुल प्यार से बताना। एक और निकाल लेते हैं जिसका नाम है मेरे पास पावर, पावर शक्ति, ठीक है, शक्ति माता की जय, जिसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में लिख देते हैं वर्क अपॉन टाइम, और हिंदी में लिख दूंगा, हिंदी में भी लिख दूंगा कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। क्या कोई दिक्कत परेशानी? क्या कोई दिक्कत परेशानी? आगे चलता हूँ, आगे चलता हूँ तो मुझे क्या तुम बता सकते हो कार्य का क्या लिखा मैंने? कार्य का क्या मैंने एल एम स्क्वायर, एम स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू लिखा क्या? बताओ। और समय क्या होता है? टी होता है, टी वन होता है, नहीं होता है मुझे बताओ, होता है नहीं होता है मुझे बताओ। अगर तुम कॉन्फिडेंस हो तो तुम इसको कर डालोगे, अगर तुम कॉन्फिडेंस हो तो इसको कर डालोगे। टी ऊपर जाएगा तो माइनस तीन, इतनी बार टी ऊपर भेज रहे हैं, टी ऊपर ही भेज रहे हैं। क्या दिक्कत परेशानी? क्या दिक्कत परेशानी थी इसमें? कोई दिक्कत परेशानी थी इसमें? क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी थी या नहीं थी? क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी थी या नहीं थी मुझे बताओ? यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी थी या नहीं थी तुम्हें? नहीं थी ना, नहीं थी ना, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालो, जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालो। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारी चीजें देखी, हमने फिजिक्स को, भौतिकी को शुरू किया और साथों के साथ वाली चीजें देखी, हमने बहुत सारी चीजें मारी, हमने इधर से उधर खलनायक खलनायक बने, और ये चीजें अंत में जाके यहाँ पर जाके मैंने तुम्हें खत्म कर दिया। तो एक बात ध्यान रखो, आज की क्लास में यही खत्म करते हैं क्योंकि ये था पहली क्लास, ठीक है, याद रखना इसलिए छोटी है। अगर तुम्हें पसंद आती है तो फिर हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मुझे बताना, पर्सनल मैसेज करके बताना, मेरे व्हाट्सएप नंबर तुम्हारे पास है, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिख लो, मेरे व्हाट्सएप नंबर में तुम्हें बताता हूँ, व्हाट्सएप नंबर में तुम्हें बताता हूँ 7877719477। अगर तुम हिंदी वाले स्टूडेंट हो, अगर तुम्हें हिंदी वाले पता है या फिर इंग्लिश वाले हिंदी तो पढ़ते हैं, तो एक होता है अनुप्रास अलंकार, सात की आवृत्ति कांड, ये मेरे नंबर अनुप्रास अलंकार हो गए, अनुप्रास अलंकार हो गए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जब चाहो तुम इसको मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहां पे तुम्हें करना है सिंगल मैसेज कॉल वगैरह कुछ करना है जल्दी करना, पर मुझे बताने की कैसी क्लास लगी तभी मेरे को, जितने ज्यादा मैसेज वगैरह आएंगे तब जितना ज्यादा मुझे पता चल जाएगा कि मैंने अच्छा पढ़ाया। और कमेंट करना,
अगर तुम्हें अच्छा लगे ठीक है, एक ये यहाँ पे खत्म करते हैं। तुम्हारे लिए मैं ग्रुप में जो मेरे को मैसेज कर देगा उसमें क्वेश्चन दे दूंगा, क्वेश्चन बहुत प्यारा रहेगा अपने पास कि एक मैं तुम्हें एमसीक्यू मतलब होते हैं वैकल्पिक वैकल्पिक प्रश्न दूंगा मैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू ठीक है, वैकल्पिक प्रश्न दूंगा ठीक है, तो जरूर करना। तो आज के लिए खत्म करते हैं, बाय बाय टाटा अलविदा राम राम, अपने ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, राम राम नमस्ते जय हिंद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या अगली वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के लिए, तब तक के लिए अलविदा बाय बाय जय हिंद।